छह फुट की डिमांड करी थी, सारा जीए का मेटेरियल है, जो जी हमने बोला था वो सारा मेटेरियल वही है। भी अच्छे हैं, पूरा प्रॉपरली अपना सारा लेवल देख के काम कर रहे हैं। टाटा वायर उनकी ब्रांडिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं आप की ग्राउटिंग है वो हो गई, आप देख सकते हैं जो लेवल है। नमस्कार किसान साथियों, तो किसान साथियों ये हमारा जो रेवाड़ी का है वो 6 फीट की फेंसिंग का काम है, वो अभी चल रहा है। काम की क्वालिटी आप देख सकते हैं, अभी जो जाली है उसको खड़ा कर दिया गया, टाइटनिंग अभी बाकी है। फुल 6 फीट की फ्लैट पत्ती के साथ जो है किसान ने डिमांड पे थी और हमने उसको ये लगा के दिया है। तो दोस्तों वीडियो इसको स्टार्टिंग से देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। एंगल्स की ग्राउटिंग है वो हो गई, आप देख सकते हैं जो लेवल है, अप लेवल साइड लेवल बिल्कुल अलाइन है, मतलब एक सीध में। और इसकी जो ये वाली डायरेक्शन है इसको भी सीधा किया जाता है, इसकी जो ये वाली डायरेक्शन है इसको भी अलाइन किया जाता है, और ऊपर नीचे की हाइट को भी मेंटेन किया जाता है ताकि जो विजुअल है लगने के बाद जाली है वो आपकी सारी बराबर दिखाई दे, कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों ये टाटा की जो 6 फीट की जाली है, ये इंस्टॉलेशन का काम हमारा रेवाड़ी ज़िले में चल रहा है। देख सकते हैं आप तार के ऊपर टाटा वायरोन की ब्रांडिंग है, हर जगह जो आपको हर फिट पे 2 फिट पे जो टाटा वायरोन की ब्रांडिंग है वो मिलेगी। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं टाटा वायरोन लिखा हुआ है, आप जहाँ भी देखेंगे आपको जो टाटा वायरोन है उसकी ब्रांडिंग मिलेगी। आप इसमें भी देख सकते हैं, अभी ये बोल्टिंग होनी है, अभी जो जाली है वो लूज़ है, काम है वो अभी चल रहा है, सिर्फ जाली को सिर्फ खड़ा किया गया है, उसके बाद जो फ्लैट पत्ती है 6 फीट की वो लगेगी और बोल्टिंग से काम होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा, अभी ओनली जो जाली है उसको जस्ट खड़ा किया गया है, उसके बाद टॉप एंड से लेवल करके जो जाली है वो टाइटनिंग की जाएगी। ये जो कॉर्नर पे ड्यूअल साइड सपोर्ट्स हैं, इस साइड के लिए ये वाले सपोर्ट है क्योंकि कॉर्नर वाली एंगल पे ही लोड होता है, ये साइड का सपोर्ट है और ये इस साइड का सपोर्ट है। एंगल है वो 2.5 इंची एंगल इस्तेमाल किए गए रोड़ी कंक्रीट के अंदर, और 2 सूत के करीबन इसकी थिकनेस है। GI कोटेड एंगल्स हैं, जो टावर से यूज एंगल जो निकलते हैं वो वाले। और किसान ने डिमांड की थी हमसे जो 6 फीट की टाटा की जो चेन लिंक है उसकी वायर मेस 10 गेज का जो है वो वायर उन्होंने डिमांड की थी, तो ये अभी यहाँ से लूज़ पड़ी है। ये ऐसी 6 फीट की फ्लैट पत्ती है, वो होल होके लगती है ये वाली, ये जाली के बाहर वाली साइड से डलेगी और बोल्टिंग हो जाएगी। मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ से अभी लूज़ है, वो आगे की जो उठी हुई दिख रही है यहाँ से जो जाली है वो टाइट हो गई है जितनी है, ये आपको ऊपर प्लेन दिख रही है, तो ये पूरी टाइट होने के बाद आपको कुछ ऊपर का लेवल है वो पूरा प्लेन दिखाई देगा। टाइटनिंग का तरीका दिखाता हूँ कैसे टाइट की गई है, आप ये देखिए 6 फीट की जो है वो फ्लैट पत्ती लगाई गई है, एक बोल्ट यहाँ पर लगा है, एक बोल्ट यहाँ पे लगा है, और जो तीसरा बोल्ट है वो यहाँ पे नीचे लगा हुआ है। 3 बोल्ट के GI कोटेड हाई क्वालिटी के जो हैं वो बोल्ट्स हैं सारे, और फ्लैट 6 फीट की फ्लैट पत्ती से जो है वो वायर मैस को टाइट किया जाता है। 4x4 का जो इसका डायमंड का जो बॉक्स साइज है वो 4x4 है, और जो वायर की थिकनेस है वो 3.15 mm है, मतलब 10 गेज जिसे हम बोलते हैं। पूरी ज़मीन में 2.5 फीट तक ग्राउट की गई हैं एंगल्स जो हैं। जाली की टाइटनिंग है वो ऐसे, ये फ्लैट पत्ती लगती है, ये एक वायर को भी नीचे से जाएगी, एक ऊपर से, एक नीचे से, एक ऊपर से, ऐसे करके अंदर डलेगी, और फिर जो बोल्टिंग की सहायता से एक यहाँ पर बोल्ट लगता है, एक यहाँ पर लगता है, और एक लोअर साइड में लगता है। इन बोल्ट की सहायता से इसको जाली के साथ में है वो फ्लैट टाइट कर दिया जाता है, जिसके बाद आपकी जो है चेन लिंक ये कभी नहीं हिलती है। ये बेस्ट तरीका है, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है लेकिन ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि अगर कोई जानवर इसके ऊपर टक्कर मारेगा तो इसके अंदर पूरी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आता, मतलब हर एक वायर पर बराबर लोड आएगा। और अगर आप नॉर्मल पॉइंट बाइंडिंग करवाते हैं तो वहाँ पे अगर कोई जानवर इंपैक्ट मारता है तो जहाँ से बंधी हुई है सिर्फ उस वायर्स के ऊपर ही जोर आता है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग रहता है जो ये वाला तरीका है। ये देखिए इसमें भी सेम ऐसे, एक बोल्टिंग, 2 बोल्टिंग और 3 बोल्टिंग। टाटा के कंपनी मेड मटेरियल में क्या रहता है, ऊपर से एक साइड ट्विस्टिंग आती है और एक साइड जो है ये बेंडिंग आती है, ये यहाँ से लोक निकल गया है तो इसको जो है
कुछ इस तरीके से इसकी लॉकिंग कर दी जाती है। जैसे ये तो ये कुछ लेवलिंग का तरीका है, ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट वायर्स के अंदर से भी देख सकते हैं आप, ये देखें। तो दोस्तों अब आपको दिखाते हैं जिस किसान के यहाँ पे जो काम हुआ है उनका हमारे काम के बारे में क्या कहना है, पूरी जानकारी लेते हैं किसान से। तो चलिए दोस्तों। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। एक कौन सी जगह है, एक बार आप अपना जो डिटेल है वो किसान भाइयों को बता दीजिए। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गुड़ियाणी। ओके भाई साहब, आपने जो किसान सॉल्यूशंस से जो काम करवाया है, आपको जो काम की क्वालिटी है वो कैसी लगी है? बहुत अच्छी क्वालिटी लगी भाई, जो हमने दिया था वही क्वालिटी हमारे पास आई है। ओके, तो आप दूसरा हमें ये बताइए कितना एरिया आपका ये? ये एरिया है मेरा लगभग 2000 स्क्वायर फुट है ये। तो आपने जो है कितने फीट हाइट की डिमांड करी थी और कौन कौन सा क्या मटेरियल लगवाया आपने? हमने 6 फुट की डिमांड करी थी, सारा जीए का मटेरियल है, जो जी हमने बोला था वो सारा मटेरियल वही आया हुआ है सब। ओके, तो आपने पहले और भी फेंस वगैरह का काम देखा होगा, आपको हमारा ही काम अच्छा क्यों लगा? कुछ आपको कुछ यूनिक दिखा होगा? हमने आपका यूट्यूब पे देखा था, बड़ा अच्छा लगा। आपके वहाँ गए थे, वहाँ भी देख आए थे, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा देख के। काम करने की क्वालिटी है, जो इंस्टॉलेशन की स्पीड है, लड़कों का काम करने का तरीका है, मशीनें हैं, वो कैसा सिस्टम है? बहुत अच्छा सिस्टम है सारा, लड़के भी अच्छे हैं, पूरा प्रॉपरली अपना सारा लेवल देख के काम कर रहे हैं। अच्छा, प्रॉपरली लड़के बड़ा स्पीड से काम कर रहे हैं। अच्छा एकदम। तो आप और किसान भाइयों को किसान सॉल्यूशन टीम के बारे में क्या बताना चाहेंगे? बस देख के जा रहे हैं, कईयों ने देखा है अभी, वो भी बोल रहे थे कि कराएंगे। अच्छा है, और प्रॉपरली और पूरा कंप्लीट हो लेगा काम उसके बाद, तो और करेंगे, देख के जाएंगे तो अच्छा काम है। तो आपने कितने परसेंट पेमेंट है वो पहले करी थी एडवांस में? हमने आपके पास करीबन 10% पहले करी थी। ओके, और उसके बाद 70% आपका मटेरियल अराइवल के टाइम पे था, 70% कर दी थी। हाँ जी, और फाइनली जो आप पेमेंट अब हो जाएगी। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद तो आप कंप्लीटली सेटिस्फाई हैं हमारे काम से? सेटिस्फाई है भाई। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ओके।